अगर आपसे पूछा जाए कि पुराने नोटों का इस्तेमाल करने से आप क्यों हिचकिचाते हैं तो आप क्या कहेंगे कि हम हाइजीन को लेकर बेहद एक्टिव रहते हैं और फटे पुराने नोटों को देखकर सिर्फ इसलिए उन्हें नहीं छूते क्योंकि उनमें गंदगी और जर्म्स का खतरा बना रहता है। तो आपकी चिंता जायज है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पिछले दिनों कई ऐसे सर्वे सामने आए थे जिसमें ये बताया गया था कि एक्सपोजर और बार बार एक हाथ से दूसरे हाथ में जाने की वजह से ज़्यादातर करेंसी नोट बैक्टीरिया की वजह से प्रदूषित हो जाते हैं, जिसके बाद हमने 100 और 10 रुपये के दो गंदे नोट और 500 रुपये के नए नोट को बेंगलुरु स्थित रिचमंड सर्कल सेंट्रल लैब में टेस्ट करवाया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि साल 2010 वाले 100 रुपये और साल 2014 वाले 10 रुपये के नोट पर किए गए कल्चर और सेंसिटिव टेस्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि इन दोनों नोटों पर कुछ ग्राम पॉजिटिव कोकाई बैक्टीरिया पाया गया, जो अकेले होने के साथ साथ पेयर में भी था। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि कोई चिंता की बात नहीं है, जबकि ATM से निकले 500 रुपये के नोट पर भी किसी भी तरीके का बैक्टीरिया और माइक्रोबियल नहीं पाया गया। टेस्ट करने के 48 घंटे बाद आई रिपोर्ट में पता चला कि 10 और 100 रुपये के नोट पर बैक्टीरिया के ग्रोथ में थोड़ा इजाफा हो गया था। इसी के साथ ही आपको बताते चलें कि सेंट्रल लैब के डायरेक्टर डॉक्टर बबली धालीवाल कहती हैं कि जिन नोटों का टेस्ट किया गया था उन पर बैक्टीरिया का ग्रोथ अपर्याप्त था और क्लिनिकली देखें तो ये पूरी तरीके से अपर्याप्त और नगण्य था। ऐसा जरूरी है कि नोट पर लगे धूल कण में कीटाणु हो और सभी कीटाणु संक्रामक भी नहीं होते। इसके अलावा फोर्टिस हॉस्पिटल के जनरल फिजिशियन डॉक्टर अम्बनाना गौड़ा कहती हैं कि हमारे शरीर में मौजूद इम्यूनिटी यानी कि रोगों से लड़ने की क्षमता नोट पर मौजूद कीटाणुओं से हमारी रक्षा करती है। ना सिर्फ करेंसी नोट बल्कि डेली यूज की चीज़ें जैसे मोबाइल की स्क्रीन पर भी इस तरीके के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि शरीर की इम्यूनिटी की वजह से ये कीटाणु हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाते। इक्योरेन हेल्डेक्स से रिजवान खान की रिपोर्ट।